तो हेलो गाइस यार, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू जीडी 5 की कमाल की वीडियो में। एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पे चल क्या रहा है? मतलब कि यार, यहाँ पे बैटमैन अपनी प्लेन लेके आया। गाइस यहाँ पे चल क्या रहा है? बैटमैन, हमें पता है कि तुम्हारी प्लेन और तुम्हारी गाड़ियाँ अच्छी होती है, तो बार बार हमें चिढ़ाने के लिए यहाँ पे क्यों ले आते हो? जाओ अपने केव में जाके छिपा के रखो ना अपना प्लेन। बैटमैन की इतनी बेहतरीन प्लेन है, तुम लोग के पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। चीची तू तू मेरी प्लेन देखो, इतनी अच्छी प्लेन है, तुम लोग को दिखाऊंगा भी नहीं क्या? एक सेकंड गाइजर, ये सब चल क्या रहा है? बैटमैन तुम यहाँ पे? भाई यार, ये प्लेन तो सच में खतरनाक है। फ्रैंकलिन, तुम भी उसकी प्लेन की तारीफ कर रहे हो, तुम किसकी तरफ हो? अरे यार, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। क्या हुआ भाई? सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमें बुरी बात पसंद है, हम बुरे हैं। तुमसे पूछा भी नहीं है कोई। बैटमैन चुप हो जा, दिन भर यार अपना काला मुंह उठा के लेके आ जाता है। बट काले तो तुम हो। हाँ मैं काला हूँ, बट तुम भी तो काले हो, चुप हो जाओ। भाई यार हुआ क्या, मुझे ये कोई समझाएगा? भाई आयरन मैन तुम ही बता दे, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? फ्रैंकलिन, इसे जब भी नई गाड़ी ये परचेस करता है, हमें दिखाने के लिए ले आता है, हमें चढ़ाने के लिए ले आता है। आज भी ये प्लेन परचेस किया और वो हमें चढ़ाने के लिए आया। मानते हैं कि हम लोग के पास गाड़ी अच्छी अच्छी नहीं है, बट हमारी मूवी तो अच्छी होती है। लेकिन हमारी गाड़ी अच्छी होती है, इसीलिए मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा। आयरन मैन, तुम्हारे पास कोई भी गाड़ी अच्छी नहीं है, ना तो प्लेन अच्छी है। तुम लोग फटीचर हो, फटीचर। तुम लोग की गाड़ी फटीचर है, मेरी गाड़ी तो देखो इतनी कमाल की है। कितनी कमाल है मेरी गाड़ी, वाह वाह। और प्लेन तो देखो लाजवाब है, तुम्हारे पास 7 जन्मों तक भी ऐसी गाड़ी नहीं आ पाएगी। चलो मैं चलता हूँ, तुम लोग यहाँ पे रोते रहो। अरे भाई आराम आराम से, भाई तू मेरे को ही ठोक देगा प्लेन से। चल हट यहाँ से, मैं गरीबों के मुंह नहीं लगता। मेरी प्लेन है ऐसी है कि किसी ने सोची भी नहीं होगी, ऐसी प्लेन है मेरे पास। ये प्लेन बहुत ही कमाल की है, ये प्लेन लाखों में एक है जो बैटमैन के पास है। अरे यार कुछ ज्यादा नहीं बोल के चला गया, मतलब कि मेरी तो मेरी अवेंजर्स लोग की भी बेइज्जती कर दी। मेरी तो करते तो चलो मानते, ठीक है अवेंजर्स की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। छोड़ो फ्रैंकलिन छोड़ो, ये बात तो सच है कि हमारे पास खतरनाक गाड़ी नहीं है, इसीलिए वो हमें चढ़ाने के लिए आ जाता है। छोड़ो सारे अवेंजर्स, वापस एक काम पे चलो, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था। नहीं 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 आयरन मैन रुको, ऐसे नहीं भाई, इसे तो यार मजा चखाना पड़ेगा। बहुत ही उल्टा पुल्टा हमारे बारे में बोल के गया गाइस, इसे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मतलब यार ये समझता क्या अपने आपको, जो मन में वो बोल के चला जाएगा यहाँ पे आके? ऐसा तो हम लोग होने नहीं देंगे। चिंता मत कर यार, मैं उसका यहाँ प्लेन है ना, वो चोरी करके ले आता हूँ। क्या फ्रैंकलिन तुम ऐसा कर सकते हो? अरे यार मैं चोरी में मास्टर हूँ, क्यों स्पाइडरमैन कर सकता हूँ ना। आइला हाँ तुम कर सकते हो, जरूर करना। चलो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम लोग दोनों मिल करके वो बैटमैन का प्लेन चोरी कर लेंगे। हम लोग की दोनों की पार्टनरशिप तो कमाल की है, वो बैटमैन हद से ज्यादा सरजी को बोल के चला गया था, चलो उसके प्लेन को चोरी करते हैं। ठीक है यार स्पाइडरमैन भी मेरे साथ चलेगा। ये हुई ना बात, स्पाइडरमैन और मैं जाएंगे भाई कमाल तरीके से, और भाई बैटमैन के केव के अंदर और उसके केव के अंदर से जाके उसकी प्लेन को ही चोरी कर लेंगे। आज भाई मैं अपनी बाइक भी लेके आया हूँ, आज तो सच में गाइस यार चोरी ऐसा करेंगे ना कि वो भी याद रखेगा। आजा आई लव फ्रैंकलिन, ठीक है चलो 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 आज सरजी का बदला लेंगे। फ्रैंकलिन आराम से जाना ठीक है? अरे यार तू चिंता मत कर भाई, मैं आराम से जाऊंगा और भाई सच में उसके केव के अंदर घुस करके उसका प्लेन चोरी कर लूंगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे स्पाइडरमैन हम लोग भाई घर से तो निकल चुके हैं, बट मुझे नहीं पता कि भाई बैटमैन का भाई केव किधर है, तुम्हें पता है? आई लव फ्रैंकलिन मुझे भी नहीं पता, हम लोग दोनों मुंह उठा के तो निकल आए हैं, बट हमें केव का रास्ता तो पता ही नहीं है। अरे यार ये भी तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई, जब हमें केव का रास्ता पता ही नहीं है तो हम लोग जाएंगे किधर? अरे यार तुम लोग करे तो करे क्या भाई, स्पाइडरमैन तुम ही बताना। आइला क्यों ना हम लोग जार्विस से पूछते हैं। अरे यार हाँ ये सही बात है, जार्विस तुम ही बता दे कि भाई कहाँ पे है बैटमैन का केव का लोकेशन। फ्रैंकलिन रुको, मैं अभी GPS से ट्रैक करता हूँ। हाँ मिल चुका है, मैंने तुम्हारे GPS ट्रैकिंग में लोकेशन सेट कर दिया है, तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ही बैटमैन का केव है जो पहाड़ों के अंदर दबा हुआ है। अच्छा भाई ठीक है। गाइज आपने सुना, पहाड़ों के अंदर दबा हुआ है, ये तो भाई सच में बैटमैन का लगता है सीक्रेट केव है। क्यों स्पाइडरमैन? आइला हाँ मैं भी आज से पहले कभी नहीं गया। और यार ये तो कमाल की बात है, हम लोग दोनों यार आज पहली बार जाने वाले हैं बैटमैन के केव के अंदर और देखने वाले हैं कि भाई उसके अंदर है तो है क्या। चलो यार जल्दी से चलते हैं। अरे यार हम लोग तो भाई इतना पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं बट अभी भी बैटमैन का केव नजर नहीं आया है। आइला हाँ मुझे भी नजर नहीं आया। अरे यार जार्विस से पूछना पड़ेगा, जार्विस कहाँ पे यार? फ्रैंकलिन वही लोकेशन है, यहीं पे आसपास में देखो। अरे यार यहाँ पे आसपास में तो कहीं भी मुझे बैटमैन का केव नजर नहीं आ रहा। लेकिन गाइस यार ये इतना बड़ा पत्थर तो यहाँ पे नहीं था।
आइला हाँ इतना बड़ा पत्थर तो नहीं था। एक काम करते हैं इसके छूके देखते हैं। अच्छा गाइस यार एक काम करते हैं ये पत्थर को छूके देखते हैं। क्या यार ये पत्थर असली है कि नकली एक बार देखते हैं। एक सेकंड गाइस यार ये पत्थर तो नकली है भाई, हम लोग इसके आर पार हो सकते हैं। ये क्या भाई अंदर में तो एक टनल है गुफा टाइप का, लगता यही है बैटमैन का केप। आइला हाँ यही है। अरे स्पाइडरमैन हमें ना यार यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, मतलब कि भाई यहाँ पे बैटमैन भी हो सकता है क्योंकि भाई बैटमैन का घर ही है, इसीलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा यहाँ पे हरकत नहीं करनी। अगर बैटमैन को पता चल गया कि हम लोग उसकी गाड़ी चोरी करने के लिए आए तो भाई वो हमें मार डालेगा और जेल में भर्ती कर देगा। तो स्पाइडरमैन एक प्लान सुन भाई, मैं जाऊँगा बैटमैन के पास और बैटमैन को बातों में फुसलाऊंगा और तू पीछे से आना और बैटमैन के सिर में डंटा मार देना, उसके बाद हम लोग दोनों प्लेन लेके उड़ जाएंगे। आइला ठीक है तुम जाओ बातों में फंसलाओ, मैं ना डंटा लेके आता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, चलो गाइस यार छुपके जाते हैं ये बैटमैन के केव में। भाई इसका केव तो बहुत ही खतरनाक है, आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। देख रहे हो यार यहाँ पे बहुत कुछ है भाई साहब, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे बहुत ही सस्ते सामानों से चीजें बनाए गए। भाई देखो तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े टीवी और भाई ये सब चीजें हैं, मुझे पता नहीं था भाई इसके पास तो पूरे तरीके से गेमिंग पीसी है। चलो यार जल्दी से और आगे चलते। अरे यार वो रहा बैटमैन, भाई चलो जल्दी से बैटमैन के पास चलते हैं। फ्रैंकलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पे कोई भी चीज चोरी करने आए हो तो मैं तुम्हें जेल में भर्ती कर दूंगा। अरे नहीं यार चोरी चकारी मैं क्यों करूंगा चोरी चकारी, भाई मैं बस ये बोलने आया हूँ ना कि भाई तुमने ना भाई आयरन मैन की तो क्या बेइज्जती की है ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब कि तुम्हारा प्लेन इतना कमाल का कि आयरन मैन तो रो रहा था तुम्हारे जाने के बाद। भाई मुझे आयरन मैन के पास नहीं, मुझे तुम्हारा चेला बनना है, प्लीज यार मुझे अपने टीम में ले लो बैटमैन। चलो ठीक है इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना ही महान हूँ, लेकिन चलो ठीक है। और बताओ आयरन मैन कैसे रो रहा था? अरे यार वो बहुत ही गंदे तरीके से रो रहा था, मतलब करके रो रहा था। ठीक है वो बहुत ही गंदे तरीके से रो रहा था और बार बार जिद कर रहा था कि उसे भी प्लेन चाहिए। आइला इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लेन चोरी करने के लिए आए, ये ले मार डाला रे। आइला फ्रैंकलिन चलो बैटमैन यहाँ पे बेहोश हो गया। अरे यार अच्छा हुआ तूने यार उसको मार डाला, मतलब बेहोश कर डाला। भाई साहब मेरा दिमाग चाट लिया था, इतना बकबक करता है मतलब कि यार गुटका फंसा करके पता नहीं क्या बोलता रहता भारी आवाज में बैटमैन। और भाई आयरन मैन से ना पूरा जलता है। आइला सर जी से जलते हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि इतना मारूंगा कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये ले मार खा बात करता है यहाँ पे। अरे यार अब मारना बंद करो, जल्दी से प्लेन में बैठते हैं। चलो यार जल्दी से गाइस यार प्लेन में बैठते हैं, इसका प्लेन तो कमाल का, आ जा यार जल्दी से तू भी आ जा। आइला ठीक है रुको मैं भी आता हूँ। चलो गाइस यार हम लोग दोनों तो बैठ चुके हैं प्लेन में, अब जल्दी से ये प्लेन को उड़ाते हैं। भाई साहब इसकी प्लेन तो देखो बहुत ही कमाल का, और एक सेकंड गाइस यार इसमें हम लोग फायरिंग भी कर सकते हैं, देखा स्पाइडरमैन। आइला हाँ इसमें फायरिंग भी है, ये तो कमाल की बात है। अरे हाँ यार इसमें गाइस यार फायरिंग भी है, और भाई ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, मतलब देखो तो यार ये बैटमैन का प्लेन है और भाई कितना कमाल का है, मतलब सच में यार बहुत ही कमाल का है। चलो यार जल्दी से उड़ाते हैं और देखते हैं कि यार इसकी स्पीड कितनी है, लग तो बहुत ही खतरनाक रहा है ये तो। भाई साहब इसमें बूस्ट भी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, भाई यार क्या ही खतरनाक तरीके से ये उड़ रहा है, इसमें गाइस यार बूस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक है। चलो यार जल्दी से इसे अवेंजर्स हाउस लेके जाते हैं और भाई आयरन मैन को देते हैं। बहुत यार आया बैटमैन हमें चढ़ाने के लिए, बैटमैन की तो ऐसी की तैसी। आइला हाँ अच्छा कि हम लोग ने बैटमैन को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा, वो एक दो घंटा तक बेहोशी पड़ा रहेगा। अरे हाँ यार वो गाइजर एक दो घंटा तक बेहोशी पड़ा रहेगा, उतना देर तक भाई हमारा ये प्लेन अवेंजर्स हाउस में लैंड हो जाएगा। चलो यार नीचे ये हमारा अवेंजर्स हाउस, अब चुपचाप ये प्लेन को लैंड कराते हैं नीचे और देखते हैं कि यार लैंडिंग में कितना टाइम लगाता है, क्योंकि भाई साहब ये लैंडिंग होने में भी तो टाइम ही लगाएगा ना क्योंकि ये बहुत ही स्पीड है। चलो यार फाइनली हम लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, जल्दी से भाई नीचे आते धीरे धीरे। भाई ये प्लेन तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही खतरनाक। चलो यार फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं, अब उतरते हैं। आयरन मैन देख यार हम लोग ने भाई बैटमैन से चोरी कर ली ये वाली प्लेन। आइला हाँ बैटमैन को बहुत ही खतरनाक तरीके से सिर में मारा, वो जब उठेगा तो देखेगा उसका प्लेन गायब है। अरे बाप रे मुझे तो बहुत ही कस के सिर में मारा, मेरी प्लेन कहाँ चली गई, वो लोगों ने मेरी प्लेन को ले गया, ओह नो। अरे हाँ यार वो तो भाई गंदे तरीके से रो रहा होगा, ये रहा भाई बैटमैन का प्लेन, अब बताओ यार करना क्या है। वाह फ्रैंकलिन तुमने तो कमाल कर दिया,
बैटमैन का प्लेन चुराना सच में बहुत ही मुश्किल है और तुम लोग दोनों ने चुरा लिया, ये तो यार सच में कमाल की बात है। अरे यार है तो कमाल की बात। सो गाइस यार नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये बैटमैन का प्लेन कैसा लगा, पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताना एंड ये भी बताना कि ये प्लेन का अब हम लोग करे तो करे क्या। सो गाइस अब टाइम आ चुका हमारे लकी सब्सक्राइबर के कमेंट को शाउट आउट करने का, तो ये रहे हमारे आज के लकी सब्सक्राइबर। एंड गाइस अगर आपको बनना हमारे लकी सब्सक्राइबर तो जाओ जल्दी जाकर नीचे कमेंट कर दो। एंड गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि यार हम लोग इसी तरीके से खतरनाक खतरनाक वीडियो लाते रहते हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।